फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छी होंगी। तो फ्रेंड्स, अभी दोपहर के बज रहे हैं 4 बजने वाले, 4:15 बज चुके हैं। और अभी मैं 1 घंटा पौन घंटा हो चुके हैं लगभग मुझे इस कमरे में आए हुए। अभी तक जो मेरा रूटीन चल रहा है वो यही चल रहा है कि मैं दोपहर को ना 3 बजे से इस रूम में आती हूँ और शाम को 6 बजे इस रूम से जाती हूँ। अपने 3 से 6 इस रूम में अपना काम करती हूँ। तो मैंने सोचा चलिए आ गई तो अपना वीडियो ब्लॉग स्टार्ट कर ली हूँ। कॉल आ रही है मेरी और देखिए यहाँ पर ना मेरे पास कुछ कैरी बैग्स पड़े हैं। अगर आपको अपने लड्डू गोपाल जी के लिए कैरी बैग्स बुक कराने हैं ना तो वो भी आप करा सकते हो। इस तरह से कैरी बैग्स हैं और काफ़ी वैरायटी इनकी आई हुई है, काफ़ी कलर वैरायटी है, ठीक है। और उधर ना छोटे छोटे कान्हा जी की ड्रेस है, 2 नंबर के कान्हा जी के लिए ड्रेसेस हैं। तो ये मैं पार्सल अभी करूँगी पैक, ये सब ना पैकिंग करनी है मेरे को ये सारी ड्रेसेस। तो आपको मैं बाद में दिखाऊंगी, ने दूसरे वाले चैनल पे आपको इनकी वीडियो मिल जाएगी अपलोडेड करने के बाद में। और कुछ यहाँ पर ये कॉटन की ड्रेसेस हैं, ये देखिए। मैं ना कस्टमर की बार बार कॉल आ रही है, मैं कॉल देख लेती हूँ कस्टमर की, ये देखिए, ठीक है। मैं कर लेती हूँ बात, उसके बाद में बात करती हूँ आपसे। देखिए फ्रेंड्स, ये है कुछ ड्रेसेस जो कि हैं 2 नंबर के लिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। ये सब ड्रेसेस ना 2 नंबर के लिए हैं। इनमें से कुछ के साथ तो पगड़ी रेडी हो गई है, कुछ के साथ रह गई हैं तो वो मैं रेडी करूं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर मैं ड्रेस कर रही थी पैक और पैक करते करते ही मैं करूँगी आप लोगों से कुछ बातें। तो बात क्या करनी थी, तो आप में से काफ़ी सारे फ्रेंड्स के मन में ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा होगा कि ऐसा भी क्या हो गया जो मैं अपने भाई से इतनी नफरत, मेरा भाई मुझसे इतनी नफरत करता है, सॉरी, मेरा भाई मुझसे बहुत नफरत करता है, ऐसा भी क्या हुआ जो मेरे भाई मुझसे इतना नफरत करने लगा। तो उसका रीज़न मैं आपको आज बताती हूँ इस वीडियो में क्या हुआ था। आप में से काफ़ी सारे फ्रेंड्स मुझसे पिछले पुराने टाइम से जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों को पता होगा कि जब मेरे पापा एडमिट हुए थे हॉस्पिटल में, तब मैंने उन लोगों से बताया था कि मेरे जो पापा एडमिट हुए थे तो उनको अटैक आया था। उनको अटैक किस वजह से आया था, जो अटैक आया था, फर्स्ट अटैक आया था उनको, तो उनको जो अटैक आया था वो किस वजह से आया था आपको मैं बताऊं। तो वो जो अटैक आया था पापा को आया था कि पापा के साथ में हुआ क्या था कि जब मम्मी की डेथ हुई थी तो मम्मी के ऊपर काफ़ी मतलब खर्चा किया था पापा का, हॉस्पिटल में लगा था, काफ़ी इलाज कराया था जैसे, तो लगभग 7 से 8 लाख रुपए पापा का इलाज में लगा था मम्मी के ट्रीटमेंट में उस टाइम पर। तो उसके बाद में हुआ क्या कि मम्मी का ट्रीटमेंट तो उस टाइम पर हो गया था, मम्मी की डेथ हो गई थी, उसके बाद में क्या हुआ, पापा ने कुछ टाइम बाद ही अपनी दुकान भी छोड़ दी थी, दुकान पापा ने बंद कर दी थी क्योंकि पापा को यही था कि मैं अब किसके लिए कमाऊंगा, किसके लिए करूंगा, यही चीज़ पापा के मन में थी कि भाई की शादी हो चुकी है तो वो अपना खर्चा अपने आप देखे, पापा ने ये छोड़ दिया था। लेकिन हुआ उसके उल्टा, पापा ने जैसे ही दुकान बंद की तो भाई बिल्कुल भी कमा कर नहीं लाता था, घर में 1 रुपये का मतलब नहीं था, हमेशा ड्रिंक करता था। तो इसकी वजह से क्या हुआ, घर के खर्चों में प्रॉब्लम आने लगी जिसकी वजह से पापा के ऊपर उधार बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो अब उस सिचुएशन में पापा के पास उसी टाइम पापा की तबीयत होने लगी ख़राब ज़्यादा, पापा को हॉस्पिटल, पापा की तबीयत इतनी ख़राब होने लगी कि उनका ट्रीटमेंट चलने लगा। उनको स्टार्टिंग में हुई थी टीबी का ट्रीटमेंट, हम लोगों ने उनका स्टार्ट कराया। उसके बाद में मतलब उनका इलाज जो था टीबी का वो प्राइवेट डॉक्टर से हम करा रहे थे तो काफ़ी कॉस्टली बैठ रहा था, तो इस चक्कर में पापा के ऊपर और ज़्यादा कर्जा होता चला गया, मतलब धीरे 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 8-10 लाख का कर्जा हो गया उनके ऊपर। तो इसी बीच में पापा ने सोचा कि मैं ज़मीन बेच देता हूँ। तो पापा ने जब ज़मीन बेची पहली बार, तो एक किसान के लिए ना अपनी ज़मीन एक माँ का रूप होती है, मतलब उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था सपने में भी कि मुझे इस तरह से ज़मीन को अपनी बेचना पड़ेगा, क्योंकि मेरी मम्मी कभी भी नहीं चाहती थी कि वो अपनी ज़मीन बेचे, कभी भी पापा को उन्होंने ज़मीन बेचने नहीं दी थी। उसी दौरान हुआ क्या कि पापा को ज़मीन बेची, उसके बाद में पापा को एकदम से अटैक आया, क्योंकि देखिए किसान के लिए बहुत बड़ी बात होती है अपनी ज़मीन को बेचना। उसके बाद पापा को जब अटैक आया तो फिर हम डॉक्टर, जब हॉस्पिटल में एडमिट रहे मेरे पास, तो यहाँ पर डॉक्टरों ने बोला कि इन्हें कोई भी ऐसी सिचुएशन इनके सामने क्रिएट ना हो अब कि इनको फिर से ये सदमा लगे या फिर से कुछ प्रॉब्लम्स आए। तो उस दौरान भाई जो था बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता था, इतनी ज़्यादा ड्रिंक करता था, हद से ज़्यादा करता था, तो
पापा से बात करी, उसकी वाइफ से बात करी, उसके बाद उसको नशा मुक्ति केंद्र में मैंने कराया था एडमिट, है ना। कहते तो हर कोई था बंदा, हर कोई मतलब मामा कहते, मौसी कहती, बुआ कहते, चाचा कहते, हर कोई बंदा ये कहता कि इसको नशा मुक्ति केंद्र में करवा दो, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ने नहीं उठाई। उस टाइम भी कहना आसान होता है, लेकिन जब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है ना कि आप करा दो आप करा दो, कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं होता है। तो वो कदम मैंने उठाया, मैंने उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, मैंने उनको नशा मुक्ति केंद्र में डलवाया, अपने पास में ही डलवाया था इसी शहर में, ताकि मेरी नज़रों में रहे बातें जो भी हो। इसलिए तो मैंने नशा मुक्ति केंद्र में जब उनको कराया, तो उसके बाद में देखिए नशा मुक्ति केंद्र कोई ऐसी जगह तो है नहीं कि वहाँ पर आपको खुला छोड़ दिया जाएगा, या फिर आपको प्रॉपर मतलब क्या आपका मतलब समझ रहे हो ना आप लोग, आपको पूरा प्रॉपर खाने पीने के लिए दिया जाएगा या आपसे काम नहीं कराया जाएगा, ऐसा तो कुछ है नहीं वहाँ पे, है ना। तो वहाँ तो आपको बंदिश में ही रहना है। लेकिन मैं यही कहूँगी कि वहाँ पर ना कुछ मेडिसिंस वगैरह ऐसी दी जाती हैं जिससे कि नशा मुक्ति केंद्र में जो पेशेंट होते हैं उनको दाने, इन्फेक्शन या फिर खुजली, ऐसी कुछ चीज़ें होने लगती हैं, एलर्जी वगैरह। तो इसकी वजह से हुआ कि उनको वो सारी प्रॉब्लम्स होने लगी, और उसके बाद में उन्होंने रो रो के, भाई ने मतलब पापा से जिद करके, अपनी वाइफ से फ़ोन करके, वो करके वो घर आ गए 3 महीने बाद ही, ठीक है। हालांकि नशा मुक्ति केंद्र वालों ने हमसे पैसे लिए थे इस चीज़ के लिए काफ़ी छोड़ने के लिए, लेकिन मेरे को बिना बताए ही वो लोग घर पे आ गए थे लेके। उसके बाद मतलब उसने मेरे को इतना ज़्यादा बुरा भला और इतना ज़्यादा उल्टा सीधा बोला, और मुझे बोला कि तूने तो मुझे मरने की हालत में छोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। उसने मतलब उस दिन के बाद ना मेरे से कभी उसने रिलेशन नहीं रखा। उसके बाद तो उसने बोल दिया कि तेरे घर मैं कभी नहीं आऊँगा, कभी नहीं आऊँगा। तो बस ये बात हुई थी। और आपको बताऊँ तो उसकी वजह से मेरा दिवाली का त्यौहार इतना ख़राब हुआ था उस दिन, मुझे पता है, जब वो नशा मुक्ति केंद्र से घर गया था, मुझे बिना बताए चले गए थे वो लोग लेके, पापा और उसकी वाइफ। लेकिन जब वो घर पहुंच गए थे, उसके बाद रात को मैंने स्टॉल लगाई हुई थी, धनतेरस का दिन था, और मैंने ना अपनी ड्रेसेस वगैरह की ना स्टॉल लगाई हुई थी बाहर। तो मेरे पास अचानक से फ़ोन आता है, और मैं घर पे आती हूँ उस टाइम रात को 10 बजे, और आने के बाद मैं जब ये चीज़ें सुनती हूँ ना, तो मेरा ना खाना बनाने का मन करता है, ना मैं किस चीज़ का मन करता है, और मुझे ना इतना रोना आता है ना। मेरे हस्बैंड भी मुझे 4 बातें सुनाते हैं उसी वक्त, और घर से इस तरह से फ़ोन आता है, तो मुझे भी बहुत बुरा लगता है कि आप बिना बताए तो लेके जा रहे हो, ऊपर से मुझे इतनी सारी बातें सुना रहे हो, उल्टी सीधी मुझे बोल रहे हो। तो कभी भी ना किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ना इतना आसान नहीं है, लेकिन कह देते हैं लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लो तो सोच समझ के लो। बहुत मुश्किल होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना ना। मैंने मतलब वही ना, कदम बोल तो सब लोग देते थे, लेकिन कदम कोई नहीं उठाता। जब कदम उठाया तो नज़रों में बुरे बन गए हम, ठीक है। अब उस सिचुएशन में होना क्या था, बस वही चीज़ें हुई ना कि सबकी नज़रों में मैं बुरी बन गई, मैं गलत बन गई, क्योंकि मैंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने की बात सोची कि चलो भाई पापा की वजह से मुझे ये कदम उठाना पड़ा, क्योंकि पापा की तबीयत ख़राब रहती थी, और डॉक्टर ने साफ साफ बोलते थे कि इनको कोई भी इस तरह का सदमा दोबारा से ना लगे। और रिसेंटली जो अभी पापा की तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई थी ना, और पापा को जो हॉस्पिटल में अचानक से एडमिट करना पड़ा और उनकी डेथ हुई, उसके पीछे भी रीज़न यही चीज़ें थी कि भाई ने बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ था उनको बहुत ज़्यादा। और वो क्या चीज़ें थी वो समय आगे आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगी ज़रूर, लेकिन अभी नहीं, इस वीडियो में नहीं कर पाऊँगी। लेकिन बहुत चीज़ें ऐसी हुई थी जिसकी वजह से पापा काफ़ी परेशान हुए थे, और वो चीज़ें ना बहुत मुश्किल होता है भुला पाना। और जो जो चीज़ें हुई थी ना, वो सब चीज़ें मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में कभी, लेकिन अभी नहीं कर पाऊँगी। तो देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी देना कहना बहुत आसान होता है लोगों को, लेकिन निभाना बहुत मुश्किल होता है ना। मैंने गलती की क्या, आप लोग मुझे बताइएगा, मैंने गलती की क्या उनको नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराकर। और प्राइवेट जो नशा मुक्ति केंद्र होते हैं ना, उनमें आप लोग कभी एडमिट मत कराना, ये मैं आप लोगों के साथ में बता रही हूँ कि उसमें कभी भी एडमिट मत कराना, क्योंकि बहुत लोग ख़राब होते हैं, सिर्फ पैसा लूटते हैं वहाँ पर। आप इससे अच्छा सरकारी में करा दो, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि प्राइवेट वाले क्या करते हैं, सिर्फ वो हमसे ना वीडियो कॉल पे दिखाते थे, वीडियो कॉल पे बात करा देते थे, वीडियो भेज देते थे, हमें क्या पता था कि पीछे वहाँ पर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो बहुत गलत होता है लेकिन वहाँ पर,
और उसके बाद देखिए शाम का टाइम था ना, मैं गई थी अपने टेलर से अपनी कुर्तियाँ लेने के लिए जो मैंने सिलने के लिए दी हुई थी। और उसके बाद मैं गई थी फ़ोटोग्राफ़र के पास। एक्चुअली मेरे पास ना पापा की एक दो फ़ोटो थी जो कि लास्ट टाइम मैंने खिंचवाई थी अपने चाचा के बेटे की शादी में, तो वही मैं बनवाने के लिए देख कर आई थी। और उसके बाद यहाँ पर गई थी मैं राशन का सामान लेने के लिए जो कि। तो फ्रेंड्स कल से मेरी कोई भी वीडियो शूट नहीं की गई थी मैंने शाम के टाइम में, और अभी सुबह का टाइम हो रहा, सुबह के बज रहे हैं 11। और आज ना मेरे को डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर की मैंने ले ली है अपॉइंटमेंट, तो डॉक्टर ने बोला है कि 1 बजे तक आ जाना, तो मैं जाऊँगी डॉक्टर के पास। तो जब मैं डॉक्टर के पास जाऊँगी तब मैं आप लोगों के साथ में कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगी कि जहाँ पर मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ ना, तो वहीं पे रास्ते में पड़ता है पापा का डॉक्टर का क्लिनिक, जहाँ पर मैं पापा को दवाई दिलाने के लिए जाती थी। तो वो डॉक्टर का क्लिनिक मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कि मेरे घर से कितनी दूर पड़ता है ना, कितनी दूर मेरे घर से पड़ता है और कितना टाइम मुझे लगता है वहाँ पर पहुँचने में ना, वो चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी ज़रूर कि जब मैं जाती थी सर्दी हो गर्मी हो बरसात हो तो कितना टाइम मुझे लगता था डॉक्टर के यहाँ पहुँचने में घर से निकलने के बाद में, और वहाँ पहुँचने के बाद मुझे कितना टाइम लग जाता था लगभग डॉक्टर के यहाँ पे दवाई दिलाने के लिए। तो वो सब चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तो वीडियो को देख लीजिएगा एंड तक और देखिए बताइएगा मुझे मैं कहाँ गलत थी। मतलब आप यकीन नहीं मानोगे कितना दूर पड़ता था मेरे को मेरे घर से, मतलब डॉक्टर का क्लिनिक। चलिए इस वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पर एंड और मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे।